दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला सीतापुर में और सीतापुर में 13 तारीख को चुनाव है। सिटिंग सांसद जो दो बार से हैं उन्हीं को बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार इंडिया गठबंधन की सीट गई है। देखते हैं लोग क्या करें। क्या हाल चाल है चाचा इस बार? इस बार बहुत अच्छा है। क्या इरादा है चुनाव में, किसको वोट देने जा रहे? बीजेपी को वोट देने जा रहे? और का बीजेपी को वोट देने जा रहे या सांसद को देने जा रहे? दोनों बढ़िया। मतलब कार्यकाल किसका ठीक रहा? दोनों। सांसद जी का कार्यकाल ठीक रहा? बहुत अच्छा। और जो कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ से प्रत्याशी बुलाया राठौर जी को, उनका क्या है? उन्होंने बढ़िया है, उनको बढ़िया, दोनों बढ़िया है। और का तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? विपक्ष कई सारे मुद्दों के साथ आया है, प्रधानमंत्री भी कई सारे मुद्दों के साथ में, तो आपको किसका ज्यादा मुद्दा अच्छा लगा है? किसके मुद्दे ज्यादा आपको पसंद आए हैं? दोनों मुद्दे अच्छे चल रहे हैं। क्या क्या पसंद आए बताइए भाई? बेरोजगारी बढ़िया कम हुई गई है, सबका गल्ला मिल रहा है। बेरोजगारी कम हो गई और का 2000 रुपया मिल रहा है, सम्मान निधि वाला बता रहे हैं ना? और का काम करेंगे बताइए, कौन काम करो? युवा पढ़े लिखे कौन भाई बेचो, समोसा बेचो, अरे काम करो कुछ। ग्रेजुएट हाई स्कूल वाले समोसा चाय बेचा है, रोजगार है, सही रोजगार है, रोजगार। मोदी जी ने कहा कि 400 पार दो, आपको लगता है कि 400 नहीं 500 पार हुई है? 400 की क्या बात कर रहे हो? तो आप तो प्रधानमंत्री से भी 100 कदम आगे चल रहे हैं। 100 कदम आगे चल रहे हैं, 100 कदम आगे। तो आपको क्यों लगता है क्यों 500 पार हो जाएगा? चलिए बीजेपी तो 400 कह रही है, प्रधानमंत्री 400 कह रहे हैं, आप 500 कह रहे हैं, तो 500 किन मुद्दों पे बीजेपी पार हो जाएगी? तो बीजेपी के कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं आप बताइए कौन कौन से वादे? जौन वादा करें सब पूरा करें, सब पूरा हो गया, सब पूरा कर। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना पूरा हो गया? 2 करोड़ इकट्ठे दे सबका, धीरे धीरे दे। हर साल में बताए थे ना 2 करोड़ तो हर साल दे है, 5 साल और करे तब पूरे हो जाए। तो इस बार तो 30 करोड़ हो जाएगा नौकरी। तो वो इससे क्या मतलब है? इस बार तो धीरे धीरे भाई इकट्ठा ही नौकरी सबका दे दे, तो 500 पार करवा रहे हैं, 500 पार कर रहे। मोदी जी 400 कह रहे हैं लेकिन आप 500 पूरे क्या कहना चाहेंगे भैया? चाचा कह रहे हैं 500 सीटें पार हो, और भैया आप तो शायद ये आप दूध दूध लेके जा रहे हैं, तो आप किसान है भाई साहब? नहीं हम दूध बेचने वाले आदमी हैं। तो मतलब भैंसे वहाँ से खरीद लेते हैं? आपके पास भैंस वैस नहीं? नहीं है, है हमारे पास भैंस है, अपना खुद का काम है। खेत नहीं है। तो क्या चारा और आप बता रहे हैं इसमें बहुत महंगा होगा, तो उस हिसाब से क्या डबल इनकम? महंगाई तो है, चोकर महंगा है, चुनी महंगी है, सब चीजें महंगाई तो है ही है। महंगाई के हिसाब से इनकम उनकम? इनकम कोई खास ना है दूध वाले की, तो ये दाल रोटी चलाने से चल रही है। अच्छा, लेकिन इस बार जैसे चुनाव हो रहा है आपके यहाँ 13 तारीख को, मतलब वोट वोट किसको देने जा रहे हैं इस बार आप? वोट दी जाएगी बीजेपी को, और किसको दी जाएगी? बीजेपी को वोट देंगे। क्या मुद्दे हैं वैसे? मुद्दे ठीक है, और क्या ठीक है? आइए भाई साहब से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम का कहब चाहिए, हमारे पास कुछ ना है, खेती पर नहीं भाई, जब मंजूरी 400 रुपया है तब महंगाई का है कि महंगाई नहीं है? कहा कि महंगाई शक्कर ले आओ तुम 40 रुपए, गन्ना जब 400 में बेचे हो तो शक्कर ले 40 रुपए। भाई साहब कह रहे तो वही जानना चाह रहे थे आपसे कि स्कूल देखियो कि लड़का कपड़ा लत्ता देखियो कि लड़का के लिए खाना पीना देखियो कहा देखियो 400 रुपए पल्ले में कुछ है? तो महंगाई के हिसाब से 400 रुपया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ना की बराबर है, महंगाई बहुत है। और क्या है? 4 किलो राशन दे रहे हैं और 10 किलो वो खा रहे हैं, वो किसके जिम्मे जाएगा बताओ भाई? 10 किलो खा रहा वो कौन? यस वो सांड देवता, बताइए ना, ऐसा बताइए सांड देवता जो खा रहे हैं वो किसके जिम्मे जाएगा भाई? मोदी किलो मिल रहा है, 5 किलो मिल रहा है, 5 किलो मिल रहा है, यूनिट पे मिल रहा है, तो 5 किलो मिल रहा है, अच्छे 10 रुपए क्या है? हम कम पड़ जाते हैं भैया, वो हम कम पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन भी है और नरेंद्र मोदी जी, इंडिया का गठबंधन ही हमारा है जो भी है, तो इंडिया का गठबंधन ही है। तो मोदी जी ने भी संकल्प पत्र में कहा है वन नेशन वन इलेक्शन, भीम संकल्प में कहा था ना, भीम में कहा था ना, इस बार जो उनकी कसम कितनी है, कितने वादे उनके हैं आपने सोचा? तो मोदी जी के कौन कौन से वादे आपको अच्छे लगे? हमें कोई वादे अच्छे नहीं लगे, कोई वादे आपको अच्छे नहीं लगे? कुछ नहीं अच्छा लगा। उनकी कोई योजना आपको पसंद आई? कुछ नहीं, हमें क्या दे दिया उन्होंने, क्या आप दे दिया, क्या उन्होंने दे दिया?
कहा ऐसा कहा जाता है कि पहले भारत की इतनी पहचान नहीं थी, भारत रिस्पेक्ट नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री भारत कौन किसने उभार दिया है, कितना बार दिया बताओ, बता रहे लोग ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में देश बहुत तरक्की किया है, बहुत इज्जत, इतना ही इतना इज्जत तो सम्मान तो तुम्हें उसमें तो जसो सम्राट जब तक तभी हुआ था तभी तब तक नाम चला था, बाद में किसने क्या किया, तो इस बार जब सम्राट अशोक थे तब इन्होंने आजाद बौद्ध भगवान थे जब डॉक्टर भीमराव देश को क्या दिया था, संविधान संविधान।